नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अगर आपने सीसीटीवी परीक्षा पास कर ली हो तो आपके लिए खबर अच्छी है। मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया है, क्रमांक F14/2016/41-2 भोपाल दिनांक 23 मार्च 2021, जिसने भी कंप्यूटर की सीसीटीवी परीक्षा पास कर ली है उसके लिए बहुत ही अच्छा है मौका। ये विभाग का परिपत्र जो है समसंख्य, जो कि 20/6/2019 को जारी हुआ था, उसी परिप्रेक्ष्य में एक नया आदेश जारी हुआ है। विषय अंतर्गत विभाग के परिपत्र क्रमांक F14/16/2012/56 दिनांक 20/10/2014 द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्तियों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर क्षेत्र में दक्षता के प्रमाणीकरण हेतु कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा, जिसको CPCT कहते हैं, की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT की वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर इसको निरस्त करके एक नया आदेश जारी किया था। तत्पश्चात विभाग ने संदर्भित परिपत्र क्रमांक F14/7/2016/41-2 दिनांक 20/6/2019 द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT के प्रमाण पत्र की वैधता 2 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष की गई थी, पर मध्य प्रदेश शासन ने एक और CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए एक तोहफा दिया है, जिसको आप आगे देख सकते हो। बहुत ही शानदार चीज़ है। पहले 2 वर्ष था, फिर 4 वर्ष किया गया है, और अब उसी आदेश को संशोधित करते हुए आपकी वैधता कितनी बढ़ाई गई है ये आगे आपको बताया जाएगा। इसी आदेश को अलग से निर्धारित करके राज्य शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक उसी दिन 14/7/2016/41-2 दिनांक 20/6/2019 को फिर से निरस्त करते हुए पूर्व में जारी समस्त कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा CPCT प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 7 वर्ष निर्धारित की जाती है। यह लेटर मध्य प्रदेश के राज्य के नाम से तथा आदेशानुसार है, जिसको सचिव मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भोपाल ने दिनांक 23/3/2021 को जारी किया है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 की जगह 7 वर्ष रहेगी परीक्षा की